चलिए आपको सीधा लिए चल रहे हैं जहां पर प्रहलाद जोशी इस वक्त मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, आइए उन्हें सुनते हैं। भाजपा चुनाव दफ्तर में मिला है, पैसा मिला है, आरपीएससी के मेंबर के रेड हैंड पकड़ा गया है। ये तो हमने पकड़ा था क्या? आपका एसीबी पकड़ा था, बाद में आपने एसीबी को अपने दबाव डाल के पैसा का लेन देन हुआ था उसको हशप करने का कोशिश आपने किया। और सरकारी दफ्तर में 2.5 करोड़ से ज्यादा पैसा मिला है, जेजेएम स्कैम में 11 करोड़ और 6.5 kg गोल्ड मिला है, उसके बाद कवरअप करने का कोशिश किया है। जब मनी लॉन्ड्रिंग का सॉलिड प्रूफ मिला आपके एसीबी के पकड़ने के बाद रेड हैंड, और आप अभी ईडी के ऊपर उंगली उठा रहे, गहलोत जी आप क्या चाहते हो? हम खुले आम आपके एमएलए बोलते थे, मंत्री बोलते थे, जब तक लाल डायरी का असेंबली में दिखाया तब तक आप वो आपके मंत्रिमंडल में थे, स्वयं आपके मंत्री बोला इधर बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, तभी ईडी इतने बड़ी मात्रा में पैसा मिला है, ईडी कार्रवाई नहीं करना और ईडी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके एमएलए, आपके अपॉइंटेड आरपीएससी मेंबर पेपर लीक करके युवाओं को अन्याय करते हैं और आप पैसे कमा के घर बैठते हैं, फिर भी केंद्र सरकार एजेंसीज कुछ नहीं करना, ये आपके अपेक्षा है क्या? ये स्पष्ट कर दो आप। तो इसीलिए गहलोत जी करप्शन जो किया है उस पैसा के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए वो जब भी ईडी वगैरह आता है उनको सपना में भी पैसा ही पैसा दिखता है और ईडी ईडी दिखता है, तो इसलिए डर मर के ऐसे बात कर रहे हैं, तो पूरा डरे हुए हैं, हार का डर के कारण ऐसे बात कर रहे हैं। एक तो विनेबिलिटी के आधार पर होता है और माइनॉरिटी सिख भी माइनॉरिटी है, हम 3 सिख को दिया है, माइनॉरिटी एक ही कास्ट का नहीं होता है, नंबर वन। नंबर टू, विनेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, उसके आधार पर हमने निर्णय लिया है और मसूदा के पॉलिटिकल कारण से उधर के संगठन का जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर हमने एक निर्णय लिया है। तथ्य छुपाए गए थे उन्होंने, ऐसे कुछ नहीं है, तो कुछ फीडबैक तो उधर जीतने के कारण विनेबिलिटी के उनका ऐसे उन्होंने छिपाया था, ऐसे कुछ नहीं है, वो भी अच्छा कार्य करता है, तो इसीलिए उस कारण से नहीं है। तो उधर जो हमारे कार्यकर्ता थे लोकल, एक अच्छे कार्यकर्ता को देना चाहिए यही फीडबैक था। थैंक यू। तो भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का आप यहाँ पर सुन रहे थे और साफ तौर पर सीटों को लेकर उन्होंने कहा कि एक ही क्राइटेरिया फॉलो किया गया है, विनेबिलिटी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को ही उतारा गया है। और जैसा कि यहां पर बात आई मसूदा सीट पर जिस तरीके से एक नाम जो है वापस लिया गया है उसको लेकर उन्होंने कहा कि पहचान छुपाने जैसी कोई बात नहीं है, विनेबिलिटी ही क्राइटेरिया था और उसको देखते हुए सीट जो है वो बदली गई है। हालांकि क्या सच्चाई है वो यहां पर पार्टी खुद जानते हैं। और साथ ही उन्होंने गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा।